मेडिकल प्रवेश घोटाले से जुड़े एक मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एसएन शुक्ला को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हटाने की सिफारिश की है। मेडिकल प्रवेश घोटाला वह मामला है जिसमें कुछ ब्लैकलिस्टेड मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों का अवैध तरीके से दाखिला कराया गया था। यूपी के कासगंज में हुई हिंसा की जाँच योगी सरकार ने एसटीओ को सौंप दी है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। बनारस की रैली में उन्होंने कहा कि योगी सरकार अखिलेश और मायावती सरकार से भी भ्रष्ट है। ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी का यूपी में बीजेपी को समर्थन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात को चुनावी जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता।